वेलकम फ्रेंड्स, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन 2022 स्टार्ट हो गया है और इस सेल में अमेजॉन ने सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अमेजॉन की तरफ से हर एक प्रोडक्ट पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिलेगा, आपको 75-80% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए बेस्ट साउंड बार डील्स लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बेस्ट डील्स के साथ साथ आपको वो साउंड बार रिकमेंडेड करूंगा जो साउंड बार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और मैं परफेक्ट इसीलिए बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको बेस्ट साउंड बार डील्स के साथ साथ वो साउंड बार रिकमेंडेड करने का है जो साउंड बार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ डील्स की तरफ भागेंगे और कुछ पैसों के कारण कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेंगे जो प्रोडक्ट बाद में आपको पछतावा हो खरीद करके, तो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को खरीद करके लाइए। और इस कड़ी में मैं आपका मदद करने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको 5000 से लेकर के 40,000-45,000 तक के साउंड बार को आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको जो भी साउंड बार बताया जाएगा ये वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार है, यानी कि हर बजट के रेंज में यह साउंड बार अपने आप में सबसे बेहतरीन है। बस करना आपको ये है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपको अपने बजट के अनुसार साउंड बार को सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस साउंड बार को परचेज करना है। इसीलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट साउंड बार डील्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको साउंड बार डील्स के बारे में बताने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजॉन 2022 सेल्स में कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही अपना परचेज कंप्लीट करें। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ, टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फेस्टिवल सीजन में आप टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का जरूर मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपका बजट 5000-6000 है और आप अपने लिए शानदार साउंड बार खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक साउंड बार रिकमेंडेड करने वाला हूं। वो है बोट एवेंटे 1500 और बोट एवेंटे 1501। दोनों एक ही साउंड बार है, आपको एक अमेजॉन पे और एक फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। यह साउंड बार टोटल 120 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इस साउंड बार में आपको एक वायर्ड सब वूफर देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा आपको साउंड प्रोवाइड करने का काम करता है। इस साउंड बार में आपको एक्स्ट्रा बेस के साथ साथ साउंड सिग्नेचर भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अगर आप बूमिंग साउंड सुनना चाहते हैं, अगर आप बूमिंग बेस में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप नाइट में या फिर जब भी आप म्यूजिक को प्ले करें तो आपको ऐसा लगे कि रूम एकदम हिल सा गया हो और आपको यहाँ पे फील हो, तो ऐसा साउंड बार अगर आप 5000 के बजट में लेना चाहते हैं तो आपके लिए बोट एवेंटे 1500 साउंड बार बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात आपको यहां समझना जरूरी है कि यह साउंड बार स्मॉलर साइज के रूम और मीडियम साइज के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका भी रूम स्मॉलर या मीडियम साइज का है तो आप बेझिझक इस साउंड बार को खरीद सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, लिंक पे क्लिक कीजिए, साउंड बार को परचेज कीजिए और अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक का मजा लीजिए। लेकिन साउंड बार को परचेज करने से पहले आप और भी साउंड बार के बारे में जान लें, क्योंकि हो सकता है कि वो साउंड बार आपके प्राइस रेंज में आता हो और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए दूसरा साउंड बार के बारे में बात करते हैं, वो है बोट एवेंटे बार 2000 और 2050। दोनों साउंड बार एक ही है और दोनों साउंड बार में आपको बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। यह 7000 के प्राइस रेंज में आने वाला साउंड बार है। हैवी बेस ऑडियो सिग्नेचर के साथ साथ आपको ऑडियो क्लैरिटी मिलता है। इससे पहले वाला जो आप साउंड बार देखे थे उसमें बहुत ज्यादा बेस और बूमिंग साउंड के लिए वो साउंड बार जाना जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप म्यूजिक को प्ले करें या फिर मूवी को प्ले करें तो मूवी म्यूजिक को प्ले करते वक्त आपको ऑडियो क्लैरिटी भी बहुत अच्छे ढंग से मिलना चाहिए, तो भी आपको इस साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर करना चाहिए। इस साउंड बार का टोटल आउटपुट 160 वाट है, यानी कि आपको टोटल 160 वाट का साउंड प्रोड्यूस करके यह साउंड बार देने वाला है। पिछले वाले साउंड बार में आपको वायर्ड सबवूफर मिला था, लेकिन इस साउंड बार में आपको वायरलेस सबवूफर मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस साउंड बार का ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है।
अगर आप अपने लिए इस साउंड बार को कंसीडर करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह वाकई में बहुत अच्छा साउंड बार है। तो सोच क्या रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने पसंदीदा साउंड बार को अपने घर लेकर के आइए। लेकिन हाँ, याद रहे कि आप Amazon से कुछ भी परचेज करें तो वो लिंक टेकफेस्ट का ही होना चाहिए। ऐसा करने से इस फेस्टिवल सीजन में टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का फाइनेंशियली हेल्प हो पाएगा, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अगर आपके बजट का रेंज 9000 है और आप एक ऐसा साउंड बार लेना चाहते हैं जिसका बेस और वोकल दोनों बेहतरीन हो, यानी कि आपको ऑडियो क्लैरिटी बहुत अच्छे से सुनाई दे और बहुत क्लियर और क्रिस्प मिले, तो ऐसे कंडीशन के लिए मैंने आपके लिए दो साउंड बार को सिलेक्ट किया है। दोनों साउंड बार मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन सा साउंड बार खरीदना चाहिए तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेबरोनिक बार 9000 और 9001 साउंड बार के बारे में। दोस्तों, यह साउंड बार वायर्ड साउंड बार है जो टोटल 120 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यह साउंड बार बहुत अच्छा साउंड बार है जिसका ऑडियो क्लैरिटी, बेस और वोकल बहुत अच्छा डिलीवर करता है। लेकिन उससे भी अच्छा एक और साउंड बार है जो जेबरोनिक 9200 प्रो के नाम से जाना जाता है। यह साउंड बार पिछले साउंड बार से भी अच्छा है और आप इसे अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे अनुसार आपके लिए कौन सा साउंड बार रिकमेंडेड करना चाहिए, तो मैं आपको 9000 के प्राइस रेंज में जेबरोनिक 9200 प्रो साउंड बार रिकमेंडेड कर रहा हूं। यह एक वायरलेस साउंड बार है जो टोटल 160 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसका साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको बैलेंस्ड हाई मिलता है और वोकल आपको क्लियर सुनाई देगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा और फिर से सलाह दे रहा हूं कि आप जेबरोनिक 9200 प्रो को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, आपको वोकल, हाइज, मिड्स, लोअर्स सबके सब बैलेंस्ड मिलेंगे और वैसा ही मिलेंगे जैसा आप उम्मीद करते हैं। और अगर आप इस साउंड बार को खरीदेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। दोनों साउंड बार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके दोनों साउंड बार में से जो साउंड बार आपको पसंद आए उसे आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट साउंड बार के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों का बजट 10,000 टू 12,000 के आसपास है और 5.1 चैनल साउंड बार वो खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने दो साउंड बार को सेलेक्ट किया है। वो पहला साउंड बार है बोट एवेंटे बार 3150D। जी हाँ दोस्तों, पहला साउंड बार है बोट एवेंटे बार 3150D, दूसरा जेबरोनिक 9400 प्रो। दोनों साउंड बार का क्वालिटी बहुत अच्छा है। आपको दोनों साउंड बार में ऑडियो को लेकर के किसी तरह का कोई शिकायत नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोट एवेंटे बार 3150D साउंड बार के बारे में। दोस्तों, यह साउंड बार 260 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जबकि आपको इसमें एक्स्ट्रा बेस साउंड सिग्नेचर मिलेगा। आउटपुट इसका बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्मॉल रूम है या मीडियम साइज का रूम है, इसकी नॉर्मली जो रूम का साइज होता है, अगर उस टाइप का रूम है तो आप इस साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और वैसे भी वोट का साउंड बार बूमिंग साउंड के लिए जाना जाता है। इस साउंड बार में आपको बहुत अच्छा बेस और वोकल क्लैरिटी दोनों बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपके बजट में यह साउंड बार आता है तो आप इसे अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इसी प्राइस रेंज में एक और साउंड बार है जिसे मैं अब आपको बताने वाला हूं। वो है जेबरोनिक 9400 प्रो साउंड बार। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको दोनों में से कौन सा साउंड बार खरीदना है। जेबरोनिक 9400 प्रो साउंड बार में आपको टोटल आउटपुट 525 वाट का मिलने वाला है। समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको रोका था कि इस साउंड बार में आपको 525 वाट का आउटपुट मिलने वाला है। यह साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, यह साउंड बार डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है। इसका लोअर बेस जो है तो काफी स्ट्रांग है और ये रूम को हिला देने वाला साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब आप इस साउंड बार को यूज करेंगे तो उसका वोकल आपको यहाँ पे फील देगा, और यही तो आपको चाहिए होता है। यह एक बहुत अच्छा साउंड बार है, लेकिन आपको इसमें वायर्ड सैटेलाइट मिलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको वायर्ड सैटेलाइट से कोई दिक्कत होने वाला है, क्योंकि वह एक ही जगह रखा रहेगा जिसे आप यूज करेंगे।
तो अब क्या सोच रहे हैं, लिंक दिया ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों साउंड बार में से आपको जो साउंड बार पसंद आए आप उसे अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जेब्रोनिक 9400 प्रो साउंड बार को अपने लिए कंसीडर कीजिए। यह बहुत अच्छा साउंड बार है जो डॉल्वी डिजिटल को भी सपोर्ट करता है, और जब आप इसे टीवी से कनेक्ट करके साउंड बार को यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मजा करेंगे और आपको प्रॉपर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जेब्रोनिक 9400 प्रो साउंड बार की तरफ जाएं। और मेरा आपको एक और सलाह है, वो ये है कि लिंक जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको उसी से साउंड बार को परचेज करना है। अगर आप 5.1 चैनल साउंड बार चाहते हैं लेकिन आप वायरलेस साउंड बार चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपके लिए दो साउंड बार को सेलेक्ट किया है। पहला सोनी S20R साउंड बार और दूसरा जेब्रोनिक 9500 प्रो साउंड बार। दोनों साउंड बार अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है और दोनों साउंड बार का आउटपुट, उसका साउंड क्वालिटी, उसका हाई, उसका बेस, उसका मिड्स बहुत अच्छा है और आपके लिए दोनों साउंड बार बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोनी S20R साउंड बार के बारे में। दोस्तों यह साउंड बार 400 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिसमें आपको हाई जो है सो ओके मिलेगा, यानी कि हाई आपको बैलेंस्ड मिलेगा जबकि बेस बहुत स्ट्रांग मिलेगा, यानी कि आपको बूमिंग साउंड जो इफेक्ट आप अगर चाहते हैं तो वो आपको इस साउंड बार में मिल जाएगा। इसका वोकल क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है और जब आप अपने इस साउंड बार को कनेक्ट करके यूज करेंगे तो ऐसा फील होगा कि आपका पूरा रूम हिल गया है, और यही तो आपको चाहिए होता है। अगर आप बूमिंग साउंड के लिए साउंड बार कंसीडर करना चाहते हैं तो आप इस साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिएगा। बहुत अच्छा साउंड बार है और आप इससे निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनफैक्ट निराश तो दूर की बात है, आप इस साउंड बार को खरीदने के बाद वाकई में बहुत पसंद करेंगे। तो सोच क्या रहे हैं, लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक कीजिए, परचेज को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाए और सेल भी खत्म हो जाए। तो सेल खत्म होने से पहले आपको इस साउंड बार को अपने लिए कंसीडर कर लेना है, यानी कि परचेज कर लेना है। लेकिन ठहरिए, आप उस साउंड बार को खरीदने से पहले एक और साउंड बार मैं आपको बताने वाला हूं जो इसी प्राइस रेंज में और इसी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो है जेब्रोनिक 9500 प्रो साउंड बार। दोस्तों इस साउंड बार का आउटपुट 525 वाट का है। यह ऑडियो क्लैरिटी के मामले में बहुत अच्छा साउंड बार है। अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूजिक के साथ साथ आपको ऑडियो क्लैरिटी भी बहुत अच्छा मिले तो आप इस साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो हाइज है वो काफी बैलेंस्ड है और इसमें जो आपको लोअर बेस मिलता है, लोअर बेस आपको काफी स्ट्रांग मिलता है, यानी कि ऑडियो क्लैरिटी के साथ साथ आपको बहुत अच्छा बूमिंग साउंड भी मिलने वाला है। दोनों साउंड बार में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप जेब्रोनिक 9500 प्रो साउंड बार को अपने लिए कंसीडर कीजिए। दोनों साउंड बार बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो साउंड बार खराब है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और मैं आपकी जगह होता तो मैं इसी साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर करता। तो सोच क्या रहे हैं, अब जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने पसंदीदा साउंड बार को जल्दी से घर लेकर के आइए। लेकिन ठहरिए, जाने से पहले डॉल्वी एटमॉस साउंड बार के बारे में जान लीजिए। अगर आप डॉल्वी एटमॉस साउंड बार लेना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने फिर से दो साउंड बार को रिकमेंडेड किया है। आप दोनों साउंड बार के बारे में जान लीजिए कि यह साउंड बार कैसा है। पहला मोटोरोला MP5 साउंड एक्स, दूसरा जेब्रोनिक 9800 प्रो। दोनों साउंड बार अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए मैं दोनों साउंड बार के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोटोरोला MP5 साउंड एक्स 3.1 चैनल साउंड बार है। 3.1 में 0.1 जो है सो सबवूफर को रिकमेंडेड, यानी कि आपको एक सबवूफर साउंड बार में मिलने वाला है। यह साउंड बार 250 वाट का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेना चाहते हैं तो आप इस साउंड बार को कंसीडर कर सकते हैं, और सिर्फ आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा बल्कि इसका हाइज, इसका मिड्स, इसका ऑडियो क्लैरिटी, इसका लोअर बेस, सब कुछ आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर वे में साउंड को एंजॉय कर सके, यानी कि म्यूजिक को एंजॉय कर सके। लेकिन उस साउंड बार को खरीदने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको यही कहूंगा कि मैंने आपके लिए एक और साउंड बार सेलेक्ट किया है, उस साउंड बार के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आपको जो पसंद आए उस साउंड बार को खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं जेब्रोनिक 9800 प्रो साउंड बार के बारे में। दोस्तों यह साउंड बार
2.1.2 चैनल साउंड बार है, यानी कि आपको दो फॉरवर्ड और अपवर्ड साउंड बार मिलेगा, जबकि 0.1 सबवूफर मिलेगा। यह साउंड बार 450 वाट का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसका आउटपुट बहुत अच्छा है और यह साउंड बार वाकई में बहुत अच्छा है। और जबरोनी की खासियत यही होती है कि आपको ऑडियो क्लैरिटी बहुत अच्छा मिलता है, वोकल क्लैरिटी, उसका लोअर बेस, उसका मिड्स बहुत अच्छा मिलता है। और इस साउंड बार में भी लोअर बेस को स्ट्रॉन्गर प्रोवाइड किया गया है। दोनों साउंड बार में से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जबरोनिक 9800 प्रो साउंड बार को अपने लिए कंसीडर कीजिए। बहुत अच्छा साउंड बार है। अगर आपको बजट को लेकर के कोई शिकायत नहीं है तो आप इसी साउंड बार को कंसीडर कीजिए, बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए 5.1 साउंड बार एक और सिलेक्ट किया है, वो भी साउंड बार बहुत अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वो साउंड बार है सोनी S40R, यानी कि सोनी S40R साउंड बार। यह साउंड बार 5.1 चैनल साउंड बार है जो टोटल 600 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनिएगा, 600 वाट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यह साउंड बार वायरलेस सबवूफर के साथ आता है, जिसमें आपको हाइज बहुत अच्छा मिलेगा, जबकि बेस आपको काफी स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है, वोकल क्लैरिटी भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आप मूवी वॉच करने के लिए कोई साउंड बार ढूंढ रहे हैं तो आप इस साउंड बार को अपने लिए जरूर रिकमेंडेड कीजिए, क्योंकि जब आप इस साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करके मूवी को देखेंगे तो आपको प्रॉपर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस का मजा आएगा। हर एक स्टेप्स, हर एक वोकल आपको सुनाई देगा और यही इस साउंड बार की खासियत है। यह एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल साउंड बार है, जिसका लोअर बेस और अपर बेस बहुत अच्छे ढंग से ट्यून किया गया है। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूं कि अगर आपका प्राइस रेंज 25,000 है और आप एक अपने लिए साउंड बार खरीदना चाहते हैं तो आप इस साउंड बार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं बात करता हूं एक ऐसे साउंड बार के बारे में जिसका आउटपुट तो कम है लेकिन साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और बड़े बड़े साउंड बार को बहुत अच्छे से टक्कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यमहा YAS209 साउंड बार। यह साउंड बार 200 वाट का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यह एक लोअर आउटपुट साउंड बार है लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, यानी कि आपको इस साउंड बार से बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। आप इसे मेलोडियस साउंड बार भी कह सकते हैं। वोकल क्लैरिटी के बारे में अनमैच्ड है, यानी कि आपको इस साउंड बार से जो वोकल क्लैरिटी मिलता है वो वाकई में बहुत लाजवाब है। इस साउंड बार का जो लोअर बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जबकि इसमें क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप म्यूजिक सुनते वक्त मिड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यमहा YAS209 साउंड बार में सेपरेट नाइट मोड दिया गया है। आप रात के समय में इसके बेस को मैनेज कर सकते हैं और यह बहुत अच्छा बात है। यह साउंड बार DTS वर्चुअल एक्स को सपोर्ट करता है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके प्राइस रेंज में यह साउंड बार आता है और आप एक ऐसा साउंड बार लेना चाहते हैं जिसमें वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छा मिले, जिसमें आपको मेलोडियस साउंड सुनने को मिले, जिसमें आपको नाइट मोड मिले और जिसमें आपको वॉइस को मैनेज करने का, यानी कि मिड को मैनेज करने का फीचर मिले, तो आप इस साउंड बार को अपने लिए जरूर कंसीडर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कीजिए और इस साउंड बार को अपने लिए परचेज कीजिए। सोच क्या रहे हैं, दिया ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए। Amazon Great Indian Festival 2022 सेल स्टार्ट हो गया है और आपके लिए मैं बेस्ट साउंड बार डील्स लेकर के आया हूँ। बेस्ट साउंड बार डील्स को बताते वक्त मैंने जो अब आपके लिए साउंड बार सेलेक्ट किया है वो प्रीमियम क्वालिटी का साउंड बार है। यह साउंड बार डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, जिसे आप टीवी से कनेक्ट करके बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस साउंड बार के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वो साउंड बार है सोनी G700 साउंड बार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सोनी G700 साउंड बार। यह साउंड बार 400 वाट का टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसका साउंड क्वालिटी ऑसम है और यह डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। इसका वोकल क्लैरिटी बहुत अच्छा है और यह बहुत फैंटास्टिक हाइज को डिलीवर करने का काम करता है। जब आप इस साउंड बार को सुनेंगे तो वाकई में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस साउंड बार की खासियत यह है कि यह साउंड बार HDMI ERC पोर्ट को सपोर्ट करता है। और अगर आपके पास एक ऐसा टीवी है जिसमें HDMI ERC पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, अगर आपके पास ऐसा टीवी है तो आप इस साउंड बार को कनेक्ट करके जब म्यूजिक को सुनेंगे, जब मूवी को देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है और आप भी कहेंगे
लाजवाब साउंड बार है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह एक फीचर रिच साउंड बार है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में हर एक साउंड बार को यही बोल रहा हूं कि यह साउंड बार बहुत अच्छा है, आपका बजट रेंज कोई भी हो, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए साउंड बार में से कोई भी साउंड बार को परचेज करेंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर लाएंगे। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा साउंड बार है। मैं इस वीडियो में कुछ साउंड बार के बारे में आपको नहीं बता सका, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस साउंड बार को भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं, बस आपको देखना यह है कि वो साउंड बार आपके बजट रेंज में आता है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे अपना परचेज कंप्लीट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।